डिस्ट्रिक्ट्स है फेमस है अरुणाचल में, जो नारा वाइन की भी है वो भी वहाँ मिल जाएंगी। बस अकाउंट में पैसे दे देना, आई विल बाय फॉर यू गाइस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फैमिली द कैथनी। एंड जैसे कि आप बैकग्राउंड देख रहे हो, आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ में हूँ। एंड या मैं एंड्री बोलती हूँ, बट एनीवेज अभी जा रही हूँ हम वापस घर। एंड यादें बाहर है वो रुक रही, तो सोचा कि भूख लग रही है, बट सिंस हम दोनों डाइट थोड़ा सा मेनटेन कर रहे हैं, डाइटिंग में है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ जाके जूस पिया जाए। यहाँ पे बहुत अच्छा एक जूस मिलता है, एक नहीं बहुत सारे वैरायटी के जूस मिलते हैं यहाँ पे सेक्रेटरी के अंदर, तो हम जा रहे हैं जूस पीने। यहाँ मेरे बगल में जो है पास में एक गार्डन के सामने एक कैफ़े है, वहाँ पे बहुत सारे लोकल आइटम्स भी अवेलेबल हैं, आपको ग्रीन टी से लेके चटनी से लेके सब डिस्ट्रिक्ट के सामान यहाँ पर मिल जाता है। उसी के बगल में फ्रूट जूस का एक दुकान सा है, दुकान है स्टॉल सा, तो वहाँ पे हम वैसे जूस पीते रहते हैं, फ्रेश जूस आपके सामने ही बना देते हैं, बहुत ही अच्छा है। एंड वहाँ पे फ्रूट सैलड भी मिलता है, तो हमने सोचा चलो आज जाके हेल्दी खाया जाए। तो या बने रहे इस वीडियो में। ये जगह इतना सुंदर लग रहा है, सारा पिकल्स अवेलेबल है, वो भी लोकल। ये वाला जो है पूरा ग्रीन टी, हाइब्रिड लग रहा है ना ये जो। बनाना क्या है, क्या है बनाना, क्या है मैंगो, ड्रैगन फ्रूट, पाइनएप्पल भी है ना, ड्रैगन फ्रूट ना, लेकिन मैंने देश नहीं है, ये भी होता है, देश नहीं होता ये फ्रूट जो ना। ड्रैगन फ्रूट को खाने का लॉस लग रहा है, लेकिन ऐसे होते हैं फ्रूट जो ड्रैगन फ्रूट बहुत टेस्टी होता है, खाए रुपये। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ड्रैगन फ्रूट कैसा था ना, देखने से बहुत मज़ा हुआ लगता है, मतलब सोच में बहुत टेस्टी हुआ लगता है, थोड़ा तेज भी। बाद में बोलेगा देखो क्यों वीडियो में नहीं आने दे, क्यों वीडियो में नहीं आने दे। बगल वाला को तो स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं, मैंगो इतना मीठा है। सॉरी सॉरी भैया सॉरी। याद है स्क्रीन टाइम मोबाइल पेट भर गया मेरा, हेल्दी वाला पेट भर, हेल्दी वाला पेट भर। मेरा स्कूटी वहाँ पार कर दे, यहाँ पर गर्मी है। पहुँच गए हैं हम अपने घर, मैं अपने घर, यहाँ भी अपने घर। तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही हेल्दी सा गया है। एंड शाम को मुझे थोड़ा सा बाजार जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने एक पपी लिया है, एंड उसका मुझे थोड़ा सा साबुन शैम्पू थोड़ा सा पाउडर लेना है, तो शाम को मैं लेने जाऊँगी। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बिकॉज अभी जो है धूप बहुत ज़्यादा है। आई थॉट मैं भी जाऊँगी, बट हाँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। तो यस इसी तरह फिर ले आऊँगी एक और मज़ेदार वीडियो। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। वो फ्रूट सैलड जो था इट वॉज लाइक सो गुड, बहुत ही फ्रेश। एंड मैंने लिया है दो बनाना केक, प्राइस है ये 120 रुपीज़ का है। वहाँ पे ग्रीन टी बहुत सारे वैरायटी के ग्रीन टीज है, स्पेशली हमारे अरुणाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ सब के कुछ ना कुछ आइटम्स अवेलेबल थे, लाइक लुप्तिर ले लो, चटनी ले लो, पिकल्स, बहुत सारे पिकल्स थे वहाँ पे। ये जस्ट सेक्रेटरी के अंदर में ही ये दुकान, एंड वहाँ पर सब लोकल चीज़ें हैं अरुणाचल में जितना मैन्युफैक्चर होता है, लाइक नारा हाबा जो वाइन है, कीवी वाइन जो बहुत ही फेमस है अरुणाचल में, जो नारा वाइन कीवी है
वो भी वहाँ मिल जाएंगी आपको। वहाँ पे ग्रीन टी मिल जाएंगी, डिफरेंट लाइक डिस्ट्रिक्ट्स के आपको वहाँ पे ग्रीन टी मिल जाएंगी। अगर बाहर से लेना है तो आई रिकमेंड कोई हो तो आप सेक्रेटरी से ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑनर है वो भी हमारे लोकल ही है, तो वोकल फॉर लोकल। एंड पिकल्स, बहुत सारे पिकल्स थे स्पेशली जीरो के वहाँ पे। मैंने देखा कि मैंने पूरा वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो दैट्स वाई मैं ज़्यादा नहीं ले पाई। एंड पिकल्स, पसीने देख लो, पिकल्स बहुत है। किंग चिली के ले लो, और वो जो तीता कुटी है वो भी है, एंड बहुत सारे वेराइटी के पिकल है। आप एक बार आके चेकआउट कीजिएगा। एंड जो ग्रीन टी है मैंने एक दिखा था वहाँ पे, जो क्या था, मुझे फूलों के याद ही नहीं होते हैं ना, तो उसके भी बहुत सारे थे। एंड कुकीज़ भी बहुत थे एक्चुअली, बट वो जो जो मुझे चाहिए था वो थोड़ा सा ऐसा टूट गया था, इसलिए मैंने वो कुकी नहीं थे। बटर कुकीज़ भी थे बहुत सारे, तो हल्दी थे, हल्दी स्पेशली जो लोकल हल्दी है वो थे। एंड आई थिंक जिंजर वाज आल्सो देयर, ड्राई जिंजर जो था। एंड वाइट राइस भी थे, कभी कभी वहाँ पे स्टिकी राइस भी मिल जाता है वो वाला। एंड और क्या था, गुल मिर्च भी है। मैंने एक पैकेट खरीदा है था वहाँ से, इट्स स्टिल देयर इन माई किचन, अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो कोई आपका जान पहचान है तो वहीं से लीजिएगा। अगर आप थक जाए तो वहाँ पे कॉफ़ी की शॉप भी है, उसके अंदर में कॉफ़ी मशीन है, तो आप कॉफ़ी पीते पीते आप दुकान भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर कॉफ़ी पीने मन नहीं हो तो आप सामान लेके आप बाहर निकल के वो फ्रूट शॉप में भी आप बैठकर आराम से रिलैक्स कर सकते हो, फ्रूट सैलड खा सकते हो, आप जूस पी सकते हो। एंड आई थिंक सैंडविच का भी कुछ आइटम्स थी, आई फॉरगॉट, तो आप बाहर में बैठ के आप रिलैक्स करके, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चलती है वहाँ पे, एंड वहाँ पे शेड्स भी है स्पेशली। तो अगर आपका जान पहचान है तो आप उनको बोल सकते हो, या फिर आप मुझे बोल सकते हो, बस अकाउंट में पैसे दे देना, आई विल बाय फॉर यू गाइज। ओके, दैट्स एंड दिस टुडेज ब्लॉग। एंड अगर आपको अच्छा लगे आज का वीडियो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। और आज का जो ब्लॉग था वोकल फॉर लोकल, मैं वही दिखाने आप लोगों को आज ले गई थी, स्पेशली आप लोगों के लिए यही ब्लॉग बना रही हूँ, तो मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है, और मेरा ये डबल चिन जो बार बार दिख रहे, तो मैं इसे थक देती हूँ। टुडेज ब्लॉग प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। ओके, एंड या इसी तरह फिर ले आऊंगी एक और मजेदार वीडियो। टिल देन आई सी यू नेक्स्ट टाइम। घर पहुंचने का जो सुकून है दुनिया में और कहीं नहीं है, अपने घर में, अपने बेड, अपने कमरे में जो एक सुकून आता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो जितना भी बाहर थकान हो, घर आते ही वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड ये सोचते हैं कि अभी जाके मैं लेट जाऊंगी, लेटूंगी, जहाँ भी फ्लोर में हो या चेयर में हो, बस वो आनंद चाहिए।